मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा यदि कोई घातक है तो वह है उसका अहंकार। मनुष्य को सदा अहंकार छोड़कर सहजता में जीना चाहिए, नहीं तो इस अहंकार के चलते अपने प्रियजन भी, अपने इष्ट मित्र, अपने रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी हंसी की कहानी आपको सुनाता हूँ। पति पत्नी में एक बार अनबन हो गई। अनबन में अहंकार के चलते दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। अब एक दिन पति को सुबह जल्दी जाना था तो उसने अपनी पत्नी से कहा तो इसलिए नहीं क्योंकि बोलचाल बंद थी, तो उसने एक पत्र लिखा और उसमें लिखकर पत्नी को दिया कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठा देना। मुझे चूंकि 8 बजे उठने की आदत है, 5 बजे उठा देना, मैं 5 बजे उठकर तैयार होऊंगा। ऐसे लिखकर पत्र उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने भी पत्र को पढ़ा। सुबह उसकी आंख नहीं खुली क्योंकि उसकी तो 8 बजे खुलने की आदत, आंख जागने की आदत थी, तो वो 8 बजे जब उठा उसने देखा मैं तो बहुत लेट हो गया, तो फिर बड़बड़ाया अपनी पत्नी पर, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया जबकि मैं लिख कर दिया था कि 5 बजे उठा देना। पत्नी ने कहा बड़बड़ाते क्यों हो, अपने तकिए नीचे देखो। पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने भी लिख कर रख दिया कि सुबह 5 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ। उठाया नहीं, 5 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ। तो अहंकार के चलते ये हुआ, ना उसने बोला ना उसने बोला। तो प्रिय बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि हम अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं जीवन में, हम अपने प्रियजनों को अपना बनाकर रख सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अहंकार को छोड़ना होगा। और अहंकार के चलते कभी बोलचाल भी बंद कर दें तो ये तो और भी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि एक बार बोलचाल यदि बंद हो जाती है तो फिर उसको शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरी सभी से यही सलाह है कि आप अहंकार छोड़कर अपने जीवन को सहजता से जीना सीखें ताकि जीवन में आनंद आ सके। थैंक यू सो मच।